रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेक ऑन विवान ना, 5 मिनट्स आ गए। वैसे भी मेरी डेट अभी खत्म नहीं हुई है ना, डॉक्टर के साथ नाइट कैप है मेरी। आज ना तुम सब कुछ बोली दो, बोलो ना क्या कहना चाहती हो। क्या था मेरे साथ ये क्यों किया विक्रम? I mean कि मैंने गलती की थी और पिछले 8 सालों में एक भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब मैंने उस लम्हे को रिग्रेट ना किया हो। एक बात पूछूं, क्या हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं प्लीज? Always. मुझे एक बात बता, तो विक्रम को मिस कर रही है या नहीं? I've always missed him. जा दिल्ली और उसको बता दे कि तू उससे कितना प्यार करती है। He does deserve a chance. मैं जाऊंगी उसके पास। नित्या, विक्रम, I'm so sorry. मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। आई वॉज नॉट रेडी अंटिल दिस मॉर्निंग। मनीरा से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला एंड आई कुडंट वेट एनी मोर। तुमसे Nitya, let me explain this to you. Please. Nitya, please. Satvik! Vikram, usse jaakar roko, please. Vikram! No point. Wo mujhe believe nahi karegi. Main Nitya ko janta hoon. Are you mad? Go and stop her, Vikram! Why don't you understand, Seema? She won't understand. I know her. Nitya, just shut up. जानते हो वापस क्यों आई? I want answers today. इससे पहले मैंने कभी नहीं पूछा, आज जानना चाहती हूं। सीमा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नित्या, मैं खुद तुझसे बात करना चाहती थी। इट वॉज टॉर्चरिंग, पर तूने मुझे कंप्लीटली शट ऑफ कर दिया एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। उस वक्त सीमा दीदी यही बुलाती थी ना मैं, दीदी। हम साथ में बड़े हुए, मेरा दिल तब सिर्फ इसलिए नहीं टूटा था क्योंकि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया था। बल्कि इसलिए क्योंकि यू वर माय सिस्टर एंड यू किल्ड मी दैट डे। यू किल्ड मी। कोई एक्सक्यूज नहीं। वाओ, ये डायलॉग सुना हुआ है ना पहले विक्रम? नित्या, जो भी कहना है मुझसे कह, गलती मेरी है और उसके लिए मैं तुझे जितना भी सॉरी बोलू इट विल नेवर बी इनफ। उस रात गलती मेरी थी, मेरा वीक मोमेंट था, रोक नहीं पाई अपने आप को। ही वॉज जस्ट फीलिंग सो। नित्या,
बात सुन मेरी नित्या। I know कि तूने बहुत सफर किया। And trust me, I know what it feels like to be cheated upon. मेरे पति ने हर बार मेरे साथ चीट किया। तुम्हारे पति ने तुम पे चीट किया तो तुमने उस पे चीट कर लिया मेरे पति का इस्तेमाल करके। नहीं है नित्या, that was an honest mistake. You knew me. ये मेरी जिंदगी था, मेरा दिन इससे होता था, मेरी रात इससे होती थी, ये मेरी लाइफ इन ब्रेथ था। यू न्यू एवरीथिंग, तुमने मेरा सब कुछ, और जिससे इतना ज्यादा प्यार किया मैंने, उसने क्या किया मेरे साथ? नित्या, तेरे लिए अगर विक्रम सब कुछ था तो विक्रम के लिए भी तो सब कुछ थी। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे माफ कर पाएगी या नहीं, पर उसे माफ कर दे। आज भी मैं यहां बस ठीक है नित्या। नित्या, तुम यहां आई क्यों? ये सब देखने। और क्या देखा तुमने पिछले 6 महीनों में? क्या देखा और क्या महसूस किया? नो नित्या, इस बार नहीं, इस बार भागो मत। डील विद इट। लाइफ ने हमें एक और मौका दिया है, टू इधर रीस्टार्ट और टू एंड इट फॉर गुड। 8 साल ना तुम आगे बढ़ पाई और ना मैं। कुछ अनफिनिश था। अपने आप से पूछो नित्या, गुस्सा, नफरत, जो कुछ भी था मेरे खिलाफ, Did you move on in life? No. हम एक दूसरे को कभी भुला ही नहीं पाए। मैंने अपना फोकस अपने काम में लगा दिया और तुमने एक अच्छी मां बनने में। But we just couldn't move ahead in life. और हम आज यहां हैं। कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, We keep coming back to each other. इसका क्या मतलब है नित्य? Think. वो यहां क्या कर रही थी आज? उसका क्या मतलब था? तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? तुम शायद भूल गए विक्रम, एक दिन तुमने ही मेरा ट्रस्ट तोड़ा था। नो नित्या, नो, ही ब्रोक योर ट्रस्ट। यू थॉट यू मैरिड अ मैन, ना तुम्हें क्या मिला? अ बॉय, अ चाइल्ड। मैं वो शख्स नहीं हूं। I'm a changed man, नित्या। ये विक्रम और वो विक्रम दो अलग इंसान हैं। पिछले 6 महीनों में तुम्हें कहना कुछ नजर नहीं आया। Everything has changed, नित्या। वो यहां पर क्या कर रही थी? इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत सिंपली एक लाइन में दे सकता हूं,
बट अगर तुम्हें मेरा यकीन ही नहीं तो मेरा एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं। कम ऑन नित्या, लेट्स रन अवे फ्रॉम आवर पास्ट, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश लाइक टू न्यू पीपल। और अगर तुमसे ये नहीं होता सो लेट इट बी, वी एंड इट। सो Do you trust me? I can't. I can't. Goodbye, Nitya. तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि सीमा यहाँ क्यों थी। मतलब तुम्हारे अंदर का आदमी अभी भी यही मानता है कि औरत को आंख बंद करके मर्द पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। मैं सफाई दे भी देता मगर जहां विश्वास ही नहीं वहां यकीन कैसे होता। दिल के खंडरों पे इश्क के महल नहीं बनते। हमारे बीच विश्वास की इतनी कमी है कि दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तन्वी, नित्या तू तो दिल्ली गई थी ना सुबह। Are you okay? It's over. What? There's something for you, my darling. Padho. What? I can't believe it. I got through. The Gotham Blue Paris? I knew it. I knew it. Babe. Le cordon bleu. Your dream has come true. You know, Vikram ke us glowing reference letter ke baad, this was inevitable. Ki agar wo India se kisi ko bhi choose karte, to wo sirf tu hoti. I'm finally so happy for you, babe. I have to go and tell Manira this. I'll just be back. Nets. Yaar Tanvi, ja kaise sakti hu? Vivan, विक्रम ने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम क्यों रेकमेंड किया? एक तीन चार महीनों से फोन तो एक भी बार नहीं। हाय नित्या। हाय विक्रम। मैं तुम्हारा ही कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। इतनी प्रेडिक्टेबल सी हो गई हूं मैं। कबीर, हेलो, आर यू देयर? आई एम ऑलवेज हियर। वो
लेटर आया था मुझे। जानता हूँ, लकौर्दम ब्लू से मुझे मेल आया था। कांग्रेस नेत्या, तुम सिलेक्ट हो गई। और इसीलिए मैंने कॉल किया था, थैंक यू कहने के लिए। मुझे थैंक्स क्यों कर रही? अगर किसी को थैंक्स बोलना है तो अपने स्किल्स को करो। यू नो इट नित्या, इट इज आफ्टर। मैं जा नहीं पाऊंगी। विवान? हाँ, बट थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहता हूँ नित्या, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, वो झटके वाला इश्क, वो पागलों जैसा प्यार, वो बेइंतहा मोहब्बत, और उसके बाद वो गहरी नफरत, इस सब के बावजूद भी वी रिस्पेक्ट इच अदर। वी रिस्पेक्ट इच अदर टैलेंट, वी रिस्पेक्ट इच अदर क्राफ्ट, लेकिन इस सबसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बच्चा, हमारा विवान। देख नित्या, तू मुझे कभी माफ करे या ना करे, तू मुझे कभी प्यार करे या ना करे, लेकिन हम दोनों का एक टुकड़ा विवान में है। तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं जानता हूं, लेकिन क्या तू मुझे विवान के साथ में ट्रस्ट करती है? तुझे पता है वो तुझे कितना याद करता है? 3 महीने हो गए, तूने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। ऐसे खिलौने भेज देने से, क्रिकेट बैट भेज देने से कोई बाप नहीं बन जाता है। तूने कभी बाप बनने का मौका ही नहीं दिया। मौका था, आज दे दे एक मौका। प्लीज सुनत्या, मैं तुझे तो उससे नहीं मांग रहा हूं, तेरे दिल के टुकड़े को संभालने की परमिशन ले रहा हूं। 8 साल, 8 बर्थडे, उसका पहला शब्द, उसकी पहली हंसी, सब कुछ खो चुका हूं मैं। तू साफ साफ बोलेगा? मैं उसका डैडी बनना चाहता हूं। एक बार प्लीज मुझे उसका डैड बनने दे। लेट मी, ट्रस्ट मी नित्या, तूने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, अब मेरी बारी है। चाह चाह कर अपने सपने जी ले। पेरिस जाने का सपना, लकौर्दम ब्लू में पढ़ने का सपना तेरा था, जो तू पूरा नहीं कर पाई मेरी वजह से। आज मैं तुझे कह रहा हूं, जा अपने सपने जी ले। विवान का ख्याल मैं रखूंगा, आई टेक केयर ऑफ हिम। ये मेरा ऑफर है, थिंक ओवर इट, स्लीप ओवर इट। कल सुबह, हु नोज, सूरज पश्चिम से निकले। गुड नाइट नित्या। सोचा था गए बारिशों के वो मौसम, छू के देखा तू आंखें हैं आज भी तेरे मेरे दर्दिया, तेरे मेरे दर्दिया, बाकी है कुछ डोरिया। विक्रम, 9 साल बाद आज ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं अपने अतीत को छोड़ कुछ कदम आगे बढ़ सकती हूँ। जब कोई रिश्ता आपके पास होता है तो उसकी कदर नहीं होती है, जब वो चला जाता है तो उसकी अहमियत पता चलती है, पर जब वही शख्स जिंदगी में वापस आ जाए तब असली सुकून मिलता है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। फिर क्यों कहा? कल सूरज पश्चिम से उग गया नॉर्थ पोल से, फाइनली मैं नई सुबह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नई सुबह, काश एक नया दौर लाए। फिर क्यों कहा?